जब देश में जनरल इलेक्शंस का बिगुल बजने लगा था, आम आदमी पार्टी के सभी लीडर्स और वॉलंटियर्स ने रोज़े अव्वल से यही अपनी ज़ुबान पे रखा है कि हमारे लिए पार्टी और इलेक्शन जीतना और इलेक्शन लड़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इस देश के संविधान को और इस देश की जमहूरियत को बचाएं। अगर आपको अंदाज़ा होगा, अरविंद केजरीवाल जी को सिर्फ 21 दिन इन्होंने दिए और अरविंद केजरीवाल जी ने 21 दिन में एक मिनट ज़ाया नहीं किया। रीज़न, वो हर एक स्टेट में गए और अपनी आवाज़ हर एक स्टेट, क्योंकि हम इंडिया अलायंस का एक मज़बूत हिस्सा हैं, तो हर एक स्टेट में जाके उन्होंने घर घर ये आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की कि हमें इस देश को और इस देश के संविधान को, इस देश की जमहूरियत को बचाने के लिए इंडिया अलायंस को मजबूत करना होगा। और रिज़ल्ट आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी जो दावे करती थी कि मैं किंग हूँ, आज वही किंग मेकर्स के पीछे पीछे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस एक इंस्टीट्यूशन बना था अपने आप में इस देश में, उनकी जीत है। मैं मुबारकबाद देता हूँ आपके वसादत से इंडिया अलायंस के सभी पार्टनर्स को और उन सभी लोगों को जिन्होंने वोट दिया इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स को। उन्होंने एक बार दिखाया कि इस देश में आज भी संविधान जिंदा है, और जब जब कोई आवाज़ ऐसी बनेगी इस देश में जो इस देश के संविधान को ख़तरा पहुँचाना चाहेंगे, जो इस देश की जमहूरियत को ख़तरा पहुँचाना चाहेंगे, तब तब इस देश के युवा आगे आते हैं। और फिर से उन्होंने दिखाया कि इंडिया अलायंस जो है, उन्होंने इंडिया अलायंस को वोट दिया। अभी आप कुछ नहीं कह सकते हैं। जैसे अभी मीडिया में चर्चे चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए तीसरी बार सरकार बना रही है, ऐसा कुछ नहीं। अभी मीटिंग्स चल रही है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडिया अलायंस के लिए ये है कि इस देश का संविधान, ये देश के युवाओं का फ़ायदा कैसे होगा, देश कैसे तरक्की करेगा, कैसे, जो ये जुमलाबाजी करते थे भारतीय जनता पार्टी का कि इंडिया जो है देश विश्वगुरु बनेगा, इंडिया अलायंस का रियल में यही ख्वाब है कि हम कैसे इस देश को विश्वगुरु बनाएंगे। हम सभी चीज़ों पे अभी मीटिंग्स चल रही है, हम सभी चीज़ों पे ध्यान रख के फैसला लेंगे। और हमारे जो लीडर्स हैं इंडिया अलायंस के, वो आपस में इन टच है, मीटिंग्स हुई, कल भी मीटिंग हुई। अभी आप नहीं कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी। जब जब आप कोई गलत फैसले करेंगे, आपको 5 अगस्त याद है, 5 अगस्त 2019 आपको याद है, जब जब आप अपने कौम के लिए नहीं सोचेंगे, तब तब वो कौम जो है आपको उसका जवाब देगी और उसका बदला लेगी। कल ये साबित हुआ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ क्या हुआ। रीज़न यही है जो 5 अगस्त को यहाँ पे हुआ है, उसका बदला कल लोगों ने वोट से दे दिया और पीडीपी को कम्प्लीटली यहाँ के लोगों ने रिजेक्ट किया है। रही बात जो उमर अब्दुल्ला साहब नॉर्थ कश्मीर से लड़ रहे थे, तो वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं उनकी गलतियां रही होंगी, कहीं ना कहीं खामियां रही होगी, जिससे इंजीनियर रशीद साहब को जो है कम्प्लीटली फुल मैंडेट यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के नौजवानों ने दिया है। तो हम मुबारकबाद देते हैं इंजीनियर रशीद साहब को भी, आगा रूहुल्ला साहब को भी, और उसके साथ साथ मियाँ अल्ताफ़ साहब को भी। ये हमने तो इससे पहले भी मीडिया के वसादत से, हुकूमत से गुजारिश की है, लेकिन ये ऐसी सरकार थी इस देश में कि ये किसी का सुनते नहीं थे। हम आज भी आपके वसादत से बोलते हैं कि अगर उनको लोगों ने मैंडेट दिया है, तो इनको अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मशीनरीज़ को इस चीज़ पे सोचना चाहिए। अगर इंजीनियर रशीद साहब को लोगों ने मैंडेट दिया है, क्योंकि आज तक हम कहते थे कि यहाँ के लोग वोट नहीं डालते, यहाँ के युवा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आके वो अपना जमहूरी निज़ाम के तहत अपना वोट दे रहे हैं किसी को, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पर सोचना चाहिए।